ओके सो वी आर लाइव नाउ. विजय इज हियर सो आई एम जॉइनिंग हिम आल्सो. हेलो. ओके हेलो एवरीवन. हाय एवरीबॉडी. वी जस्ट विजय जी इज जस्ट जॉइंड अस. विजय जी आई थिंक योर कैमरा इज ऑफ. मैं देखता हूँ. यस अपनी डिस्कशन. अच्छा ठीक. विजय जी का शायद कनेक्टिविटी इशू हो रहा है. क्या हो रहा है? उनकी स्ट्रीम फ्रीज हो गई है. बट हेलो टू एवरीवन एल्स. आई थिंक कनेक्टिविटी इशू होगा शायद. या यस. हाँ विजय जी नमस्कार. आवाज मिल गई? हाँ जी मिल जी. सो हेलो एवरीवन. या देयर इज सम इशू विद द कनेक्ट. हाँ नहीं अब तो ठीक है कनेक्टिविटी. आई थिंक विजय जी. हाँ वी कांट हियर यू तहरीन. या हेलो नाउ कैन यू हियर मी? यस. आर यू गेटिंग मी? हाँ जी विजय जी. यस सर थैंक यू. हेलो एवरीवन वेलकम टू द एलटीए आरएसएस लाइव. एंड लूजिंग ऑडियो तहरीम. हेलो. हाँ नाउ वी कैन हियर यू. वी लॉस्ट योर ऑडियो. या ओके. सो वी हैव मिस्टर अभिनंदन सेकरी विद अस एंड वी हैव मिस्टर शार्दुल. वी आल्सो हैव विजय त्रिवेदी विद अस. ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एडिटर इन चीफ ऑफ न्यूज इंडिया 24/7. नमस्कार. और विजय जी के साथ एक्चुअली मैंने तो काफी टाइम जब एनडीटीवी में विजय जी होते थे काम किया है जी. तो शार्दुल विजय जी हमारे साथ पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं. शार्दुल भी बचपन में काफी थे 10-12 साल शाखा में गए थे. वेल टेक्निकली संघ आयु जब आप शाखा जाना शुरू करते हैं तब से होती है. तो जितनी मेरी उम्र है उससे 2 साल कम तो 37 साल. 37. तो हमने एक 4-3-part सीरीज किया है आरएसएस. कई लोगों से बात की है. अभी सर्विंग पास्ट उनके क्रिटिक्स उनके एकेडमिक स्कॉलर्स वगैरह. तो उस पर अब ये चर्चा होगी. तो विजय जी पहले आप बताइए आपने बीजेपी को एज ए जर्नलिस्ट कवर किया है तो आरएसएस को भी किया होगा. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका चेंजिंग इम्पोर्टेंस और चेंजिंग पैटर्न पिछले यू नो 10 से लेके 50-60 साल से. जी महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी रहा है इस पूरे 50 साल में. एक बड़ा परिवर्तन जो मैं समझता हूँ वो है लीडरशिप को लेकर. लीडरशिप को लेकर यानी भारतीय जनता पार्टी में पहले कलेक्टिव लीडरशिप का एक कॉन्सेप्ट था. अब वो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है मोटे तौर पर है लेकिन फिर भी उसे हम कलेक्टिव लीडरशिप नहीं कह सकते. मुझे लगता है जो संघ की एक चालुकानुवर्ती वाली जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी तक भी पहुंच गया है. भारतीय जनता पार्टी में और जो संघ में एक चालुकानुवर्ती है उसका मतलब होता है कि जो एक आदेश सर संघ चालक का है वही सबके लिए है. लेकिन वहां उससे उलट है. वहां वो जो आदेश होता है वो सबके मिलने के सबके विचार सबकी चर्चा सबके साथ सहमति के बाद होता है. आदेश भले ही सरसंघ चालक का हो लेकिन चाहे वो सह सरसंघ चालक हो और लोग हैं उन सब जो पूरा एक टॉप बॉडी है उनके साथ डिस्कस होकर उसके बाद विचार करके होता है. तो वहां पर कलेक्टिव लीडरशिप इस तरह से है संघ में. लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज कलेक्टिव लीडरशिप है औपचारिक तौर पर.
ऐसी। और लेकिन जब आप कभी संघ का हिस्सा भी रहे हैं बचपन में? जी नहीं, कभी नहीं, संघ का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मेरे परिवार में लोग रहे, फादर का आना जाना रहा संघ के, मतलब आना जाना क्या, वो संघ के शाखा में जाते रहे जब तक वो रहे। आप शामिल क्यों नहीं हुए? नहीं, मेरी कभी रुचि उस तरह से नहीं रही और संघ ने मुझे उस तरह से अट्रैक्ट भी नहीं किया सही मायने में कि मैं कभी शाखा में जाऊं। अच्छा, जबकि मेरे परिवार में मतलब काफी लोग, क्योंकि जयपुर में रहा तो जयपुर में संघ का शाखा कार्यालय भी हमारे पास था, प्रांतीय कार्यालय भी वहां का पास में था, और उन लोगों से हमारे पारिवारिक संबंध, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया तो पारिवारिक संबंध नहीं, बहुत सारे लोगों से। और संघ की तो खासियत यह है कि क्योंकि इसको कहना कि पारिवारिक संबंध है ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि संघ के लोगों की खासियत यह है कि वो पारिवारिक संबंध बना लेते हैं। जब एक आदमी एक शाखा में चला जाए आदमी, तो पूरा परिवार उनका हो जाता है। फिर वो किसी भी दिन जब अनौपचारिक तौर पर सुबह शाखा खत्म करके चाय पीने आते हैं आपके साथ, तो वो भाभी जी भी आपकी हो जाती हैं, फिर बच्चे भी आपके हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो संघ बहुत सिमर करके परिवार के साथ जुड़ जाता है। शार्दुल, आपने तो वो पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे आप गोद में खेले, बहुत सीनियर फंक्शनरीज के बचपन से जानते हैं, तो जब इतने मतलब इतने सालों से, 30-40 साल से इतने क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं, तो आपका संघ से अलग होना, मतलब इट्स नॉट जस्ट जॉब छोड़ दी, मतलब इट इज इमोशनल दिस थिंग राइट, मतलब हाउ आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपके बचपन के हिस्से रहे, आपके अंकल रहे, आंटी रहे जैसे हमारे यहाँ, तो हाउ वॉज इट फॉर यू वेन यू सेड कि भाई अब मैं नहीं आऊंगा? सो here's the thing, and Vijay ji brought up a good point, that and we tried to express it as best as possible with our capabilities and the time limit we have on the format, that it's not easy to understand RSS or Sangha just with reading about them, because they become part of your everyday lives, you make friends there, wo aapke dost ban jate hain, jaise Vijay ji ne bataya parivarik sambandh hai na, तो जब हम जाना बंद करते हैं तो आपके पारिवारिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा, और जिस स्तर पे जैसे मैं उससे थोड़ा सा विरक्त हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, तो उसकी पर्सनल कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। आई मीन दैट्स अ लाइफ थिंग, इट्स नॉट जस्ट आरएसएस, यू मेक चॉइसेस एंड यू पे फॉर देम, बट विद आरएसएस इफ यू हैव ग्रोन अप लाइक मी और यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन देयर, तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर आपके संबंध घर वालों से भी थोड़े से खराब हो जाएंगे, थोड़ी सी गुस्सा बना रहेगा, ये होता है, पर ये पर्सनल चॉइसेस हैं। एक बात और जो विजय जी ने कहा, शाखा जाना जैसे उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन परिवार के लोग थे, तो विच इज वाई वी ऑल्सो टोल्ड इन अ पॉडकास्ट इन एपिसोड 3 स्पेसिफिकली, कि हर किसी के बस में नहीं होता शाखा का डेली काम कर पाना, वो हर किसी की रुचि का विषय भी नहीं है, इसीलिए वो अनुसांगिक संगठन है, the corollaries, the different organizations they have. If you're a lawyer, you can be part of Adhivakta Parishad. If you're interested in labor things, you can be part of BMS. And that's how it works. I see. So, Vijay ji, आपने तो अब पता नहीं आप editor in chief हैं, तो आपका कितना actual on ground reporting होती होगी और कितना, क्योंकि पूरी team को manage करना full time job होता है, तो time भी नहीं बचता सबके लिए, लेकिन आपको लगता है कि हम जब आपके साथ बैठ के मैं बातचीत करता था 2004-2008 के बीच में, कि भाई 2004 क्या, उससे पहले अटल जी थे तब पीएम कुछ टाइम के लिए, कि नो वन कैन बी बिगर देन आरएसएस, टुडे इज आरएसएस, डज इट हैव दैट स्टैचर और दैट इज गॉन एंड इट कैन नेवर बी रीगेन, मतलब फिर वो नहीं हो सकता, अगर बीजेपी और मोदी आरएसएस से बड़े हो गए हैं, हो सकते हैं, और इसका कोई रिजेंटमेंट होता है शाखा में? नहीं, शाखा में तो कोई रिजेंटमेंट नहीं हो रहा, बल्कि शाखा का जो कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक है, वो आज मोदी का कार्यकर्ता हो गए मोटे तौर पर, ठीक है ना, तो वो बल्कि संघ की ताकत मोदी जी के साथ जुड़ गई है, इसलिए वो भी ताकतवर हो गए हैं, और मोदी जी की ताकत संघ के साथ जुड़ गई है तो वो भी ताकतवर हो गए। लेकिन संघ में जो एक प्रक्रिया है कि वहां पर कल्ट का जो थॉट प्रोसेस है वो उसके खिलाफ है, कोई भी एक लीडर हो इसके खिलाफ है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, ये व्यक्ति की बात नहीं,
अब जब मोदी भी आज कल्ट फिगर हो गए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और पार्टी में भी सबसे ऊपर हो गए हैं, तो वहां पर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ये संघ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि संघ समझता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, व्यक्ति रहे ना रहे। आपको याद हो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे थे तो उस समय के संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि वाजपेयी का हारना जीतना हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता, संघ का रहना महत्वपूर्ण है, संघ का रहना आज भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ प्रमोद महाजन साहब का, हालांकि पुराना हो गया, आजकल थोड़ा सा माहौल बदल गया है। प्रमोद महाजन साहब के साथ मैं डिनर कर रहा था तो ऐसी बात हो रही थी, 2004-5 की बात है शायद, तो मैंने पूछा कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी में कौन बड़ा नेता है। ठीक है, वाजपेयी जी और आडवाणी जी में बड़ा नेता कौन है? तो प्रमोद महाजन ने कहा कि कोई नहीं। मैंने कहा मतलब? उनका संघ जैसे चाहे वो बड़ा नेता। और ये घटना उसके 6-8 महीने बाद सही साबित हुई जब लालकृष्ण आडवाणी के साथ मैं कराची गया था, जिन्ना वाला जो विवाद हुआ, और उसके बाद संघ ने जिस तरह से अलग किया अपने आप को आडवाणी से, उससे साबित हो गया। और आडवाणी उसके बाद कभी लौट कर ही नहीं आए संघ और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में। तो संघ तय करता है कि कौन उनका बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है। 2012-13 में भी यही हुआ, जब प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई वो भी तय संघ ने किया। 2009 में भी जब नितिन गडकरी नागपुर के कार्यकर्ता थे, नागपुर के नेता थे, उनको अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने देने की जो भूमिका है वो भी स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फैसला है। तो इसलिए संघ जो है, और या योगी आदित्यनाथ जी को ले लें उत्तर प्रदेश में, जब मनोज सिन्हा का नाम चल रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य की एक ताकत दिखाई दे रही हो पिछड़े नेता के तौर पर, और योगी आदित्यनाथ जो उसके कैंपेनर नहीं रहे हों चुनाव के या लीड नहीं कर रहे हों, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और जब 2019 का बाद 2021 का चुनाव हो रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और तमाम लोग कह रहे हो कि नहीं अब तो कुछ बदल जाएगा, कुछ नेतृत्व परिवर्तन होगा, केशव प्रसाद मौर्य को मौका मिलेगा या किसी और को मौका मिलेगा, फिर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मौका मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि सब बड़े नेता हों लेकिन घर जो है ना, घर का मुखिया अब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन क्या सचमुच वाकई आज वो है क्या? क्योंकि मतलब आज मोदी जी को ऐसे मेनस्ट्रीम से हटाना या अलग करना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि और ये सिर्फ पार्टी का नहीं है, सोशल मीडिया डिजिटल एज का जो डायरेक्ट कनेक्ट है, संघ का जो पिरामिड स्ट्रक्चर था वो हर घर तक घुस सकता था, अब तो नेता डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू हर घर में घुस रहा है। तो आपको लगता है कि आगे संघ की ताकत और कम होगी और कल्ट और बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। संघ की ताकत कम नहीं होगी, संघ और मोदी जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आजकल। संघ की ताकत मोदी जी को मिल रही है, मोदी जी की ताकत संघ को मिल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं कि संघ के एजेंडा को चलाना ही उनके लिए बेहतर है, ठीक है ना, इसलिए वो उस एजेंडा को चला रहे हैं। और संघ को समझ में आता है कि मोदी जी के होने से उनका एजेंडा चल रहा है, ये दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी दूसरे एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, संघ भी मोदी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वैसे ही वैसा दूध देने वाली गाय होती है ना, उसको कोई नहीं छेड़ता। आप हमारे व्यूअर्स, आपको कोई भी क्वेश्चन है तहरीम, questions कहाँ डाल सकते हैं वो, can you just instruct our listeners that? Yeah, I have put in the chat box that they can type in the questions and we'll take it once the discussion is done. So ठीक है, you can, once the questions start coming in, you can, what, you'll send them to me on WhatsApp or how? I'm sending it to you on WhatsApp. हाँ, तो WhatsApp पे मुझे आप questions भेज दो, मैं questions लेता रहूँगा लोगों के साथ साथ, ताकि उनको ज़्यादा wait ना करना पड़े अपने questions answer करने का। जितनी देर में पहला क्वेश्चन आता है जो विजय जी ने बात कही उससे एक बात, देखिए अभिनंदन, आपने जो प्रश्न रखा ना कि क्या भाजपा बड़ी हो गई है संघ से, ये प्रश्न तभी तक है जब तक ये चॉइस करने का नंबर नहीं आता। अगर ऐसा हुआ कभी भविष्य में कि किसी को चॉइस करनी पड़ी तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है।
उसका कारण ये है कि आपके हर दिन के जो रोज काम आते हैं, जैसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले वगैरह, आप उनको नहीं छोड़ सकते चाह के भी। अधिकतर लोग नहीं छोड़ सकते, हमारी वो प्रिविलेज नहीं होती, लग्जरी नहीं होती, तो वो चॉइस तभी तक बनी हुई है। और दूसरी चीज, सॉरी, ये जो मन में बात है ना कि अभी सभी मोदी के, कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है, जैसे कुछ पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, उनको ये बात थोड़ी खलने लगी है कि व्यक्ति का नाम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो तहरीम, I'll just tell the audience also, you can put in your questions on the chat box. Tehreem, where should they put on the chat box? Yeah, on the chat box. People are putting in their questions right now and I'm sending them to all the listeners, you can put in your question in the chat box. हम साथ के साथ आपके questions लेते रहेंगे। तो ये पहला question है, meanwhile chat box में आप questions डाल दीजिए। जयेश जायसवाल का question है कि what is the reason कि जो राइट विंग आर्टिस्ट एंड मूवीज हैं वो they've started to flourish and make money at the box office. Interesting question. मेरा पर्सनल मानना है, मुझे नहीं लगता संघ का इससे लेना देना, इसका संघ से भी लेना देना नहीं है और फैक्ट से भी लेना देना नहीं है। अक्षय कुमार की फिल्में जितने एक साल में फ्लॉप हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्षय कुमार संघ के साथ है, लेकिन एक राइट विंग थॉट तो है। और अक्षय कुमार एक जमाने में बड़े स्टार हुआ करते थे, लेकिन पिछले एक साल में, दो साल में भी देखेंगे तो उनकी 80% फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो वो फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। तो वो तो दोनों चीजों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और एक और मित्र हैं, आपकी मित्र हैं कंगना रनौत, तो उनकी फिल्में कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं ये भी जग जाहिर है। तो इसको ये मानना, और संघ जो है ना, मैं बताऊं वैसे भी कि वो इन सब मामलों में नहीं पड़ता, वो हो सकता है कि किसी विचारधारा के खिलाफ हो तो उस पर खड़ा हो जाए, उसमें भी चांसेस कम होते हैं कि संघ संगठन के तौर पर खड़ा हो जाए किसी विचारधारा के खिलाफ हो, यदि कोई फिल्म आ गई है उसमें। उसमें कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए या अपने ताकत दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं, संघ एज ए संगठन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए होल कभी खड़ा नहीं होगा। आपने देखा हो इतने समय में वो कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो अलग तरीके से चलते हैं, वो अपने चीजों को, संघ की प्रकृति में यह है सिमर होना, सिमर करना समझते ना आप, धीरे धीरे बूंद बूंद आपके अंदर जाती जाती है ना, और वो आपको महसूस भी नहीं होती, वो आपके गले को तर तो करती है लेकिन महसूस नहीं होती। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने तो, आपका बहुत तजुर्बा रहा है, आपने तो इतने साल रिपोर्टिंग किए, मैं तो खास रिपोर्टिंग मैंने 2-3 साल की थी, वो भी 95 और 99 के बीच में। तो क्योंकि मुझे हर साल ये अपने होली मिलन पे इनवाइट करते हैं, हालांकि मैं इतना यू नो वोकल क्रिटिक रहा हूँ संघ का, और ट्विटर के जमाने में तो पता नहीं क्या क्या पहल देते हैं हम, मतलब गुस्से, लेकिन वो हमेशा आपको इन्वाइट करेंगे जब भी मिलेंगे, बेशक मतलब आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब पर्सनल इंटरेक्शन से बहुत प्रेम होगा। आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि ये जो लिबरल्स होते हैं ना, सबको टू टू करते हैं, मतलब अगर कोई पसंद नहीं आया उससे गले भी नहीं मिलना, उससे मिलना भी नहीं, ये क्या। और मैंने ये हमारे इस पॉडकास्ट के दौरान मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक राजस्थान के, उनका नाम क्या था, भंवर मेघवंशी, भंवर, वो मतलब क्या बोले, वो भी संघ का हिस्सा रहे थे, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से थे, उन्होंने भी अलग कर लिया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब मेरे घर आए थे हाई कास्ट नेता तब खाना नहीं खाया उन्होंने मेरे हाथ का, तब मैंने संघ छोड़ दिया कि तो मैंने उनसे बोला कि ये इसलिए क्योंकि आप हिंदू हैं, क्योंकि एक दिन उनका ये मानना है आप भी उनके साथ ही होंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि क्यों अपने क्रिटिक्स को भी वो हमेशा पोलाइटली इन्वाइट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, What is the expectation? क्या मैं बदल जाऊंगा? नहीं, दो बातें हैं, एक तो उनकी प्रकृति में है, नेचर में है, आदत में है कि संघ जो है ना सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और वो सबको इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपकी जो नाराजगी है ना वो खत्म हो जाए, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात कम्युनिकेट करते रहे आपको। इसीलिए आप देखते हैं कि जब संघ के वो थर्ड ईयर, जैसे तृतीय वर्ष बोलते हैं नागपुर में, जिसका कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर होता है, उसके जो चीफ गेस्ट होते हैं वो आमतौर पर संघ से विपरीत विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन आपको तब पता पड़ता है जब प्रणब मुखर्जी पहुंचते हैं, ठीक है। तो और उसमें खास बात क्या है संघ की, कि वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात पर चलते नहीं है, लेकिन इस बहाने आप तक अपनी बात जरूर पहुंचाते हैं, ठीक है ना, और इससे धीरे धीरे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है,
कि आज अभिनंदन भी सोचता है कि मैं तो क्रिटिक हूं लेकिन रोजाना होली हर बार होली मिलन पर मुझे बुलाते हैं, एक नेगेटिविटी को थोड़ा सा तो कम करता ना इस माहौल को। और आदतन जब वो सेवा का कार्य कर रहे होते हैं इसका जो उनका एक बड़ा काम है, तो उसमें वो मोटे तौर पर मैंने देखा है कि वो किसी विरोधी या पक्ष के लोगों का ध्यान नहीं रखते। यदि वो सेवा कर रहे हैं, बाढ़ का काम है, अकाल का काम है, कुछ और काम है, तो वो सबके लिए कर रहे होते हैं। वो भी पार्ट ऑफ ब्रांडिंग भी है और पार्ट ऑफ नेचर भी है कि वो सबके लिए काम कर रहे होते हैं। आपको पसंद है तो भी, आपको ना पसंद हो तब भी। इसीलिए मैंने कहा कि जब वो एक आदमी संघ का कार्य वो स्वयं सेवक हो गया तो वो पूरा परिवार हो गया, क्योंकि फिर वो उस परिवार में घुस जाते हैं। फिर परिवार में घुसते हैं तो फिर पड़ोसी को भी नमस्कार करते हैं, चारगुण साहब के पास आएंगे तो अभिनंदन जी को भी करेंगे, राम राम साहब कैसे हैं आप, क्या हो रहा है ना, कहेंगे नहीं आपको कि शाखे में आइए, लेकिन आपसे अच्छे से तो बात करेंगे ना। तो फिर अभिनंदन को लगता है कि ये लिबरल तो चू चू करते हैं, आरएसएस वाले नहीं करते। तो एक्चुअली जो अभी जयसवाल जी का सवाल था, शार्दुल भी इस पे कुछ बोलेंगे क्योंकि उन्होंने रिव्यू किया है लाल सिंह चड्डा। मुझे लगता है कि मतलब हम ज्यादा ही क्रेडिट देते हैं फिल्म और सक्सेस की फेलियर्स का। आज ही यूएस की सेकंड बिगेस्ट सिनेमा चेन ने बैंक्रप्सी फाइल की है, सिनेवर्ल्ड फाइल की है या करने वाले हैं कल। दुनिया भर में सिनेमा की चेन जो है बड़ी से बड़ी बिलियन डॉलर्स की जो कंपनियां हैं वो बैंक्रप्सी की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड और ये ओटीटी का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब वहां तो कहते हैं कि मार्वल सुपर हीरो फिल्म्स और जेम्स बॉन्ड फिल्म्स के अलावा सिनेमा में और कोई फिल्म देखने जाएगा नहीं। इसी पे तभी वो ग्रे मैन $200 मिलियन की नेटफ्लिक्स ने बनाई, सिर्फ ओटीटी रिलीज है। तो मुझे लगता है कि ये हम ओवर एनालाइज करके, मतलब लाल सिंह चड्ढा ऐसा नहीं है कि अगर राइट विंग बोलता अच्छी है तो चलती, शार्दुल ने देखी और उसको बहुत ही वो घटिया फिल्म लगी। बताइए शार्दुल आपका क्या कहना है, दैट इज द सक्सेस ऑफ फेलियर टू डू विद आरएसएस? नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे जो विजय जी ने बात कही और आपने जो बात बताई, ये दोनों बातें मिक्स हैं। पब्लिक का कंटेंट कंज्यूम करने का नेचर भी बदल रहा है, लेकिन अगर कोई विचारधारा पूरक फिल्म भी बनती है, जैसे इसका अच्छा उदाहरण वो है जो अभी कश्मीर पर फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स, कई बार वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप संघ के साथ हमारे से इस पर बात कर रहे हैं तो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां दिखावा शोबाजी ज्यादा दिन चलती नहीं है। यू हैव टू डू थिंग्स एवरी डे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर बॉलीवुड पीपल और पीपल इन एंटरटेनमेंट। तो फिल्म अगर आपको लगता है थोड़े दिन आप उन्हें सपोर्ट करेंगे और घटिया फिल्म बनाएंगे तो पब्लिक नहीं देखेगी, उसमें उनका विचार भी नहीं है। ये दोनों बातें है ना कि कोविड और ओटीटी ने है ना ऐसा एक कॉम्बिनेशन दिया है कि कोविड की वजह से लोगों ने फिल्म हॉल में सिनेमा हॉल में जाना छोड़ा, और उसी दौरान ओटीटी पर उसको एक अच्छा मटेरियल या जो भी कहें सपोज वो मिल गया। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो बॉलीवुड को या सिनेमा को, हमारी इंडस्ट्री को कुछ बहुत बड़े थॉट प्रोसेस की जरूरत है। अभिनंदन जैसे लोग जो है ना कुछ नया आइडिया दे दें गुस्ताखी माफ, तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि अब मुझे लगता है ओवरऑल चेंज की जरूरत है, उस पूरे थॉट प्रोसेस पर बदलाव की जरूरत है। या किसी की बात नहीं आ, अच्छी फिल्में भी नहीं चल रही हैं और ओटीटी पर बहुत सस्ते बजट की, बहुत कम नए अभिनेताओं पुराने अभिनेताओं की बात चल रही थी। अभी मेरी दो दिन पहले ही मैंने पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू किया था तो उनसे भी यही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ओटीटी ने एक नई पहचान, नया कंटेंट, नई सब कुछ दी है, जमाना भी तो बदल रहा है ना, सब कुछ बदल रहा है, तो थॉट प्रोसेस भी बदल रहा है। और केवल सिनेमा में नहीं, हम खाने पीने, सोचने, उठने बैठने, हर चीज में बदल रहे हैं, और जो कंपनियां बदलती जा रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं। करेक्ट, यू हैव टू इवॉल्व। देश जो है जिसमें न्यूज को देख लीजिए, आज टेलीविजन चैनल्स पर न्यूज जो चैनल चला रहे हैं वो नहीं चल रहे, लेकिन जो हमारे इस पर चल रहे हैं डिजिटल पर वो बहुत चल रहे हैं, और उसमें पैसा भी नहीं लग रहा, सब कुछ नहीं हो रहा। आज चैनल को चलाना बड़ा काम है, बजट इतना, मॉडल्स बदल रहे हैं, ऑल ऑफ द मॉडल बदल रहे हैं, और उससे ज्यादा लोग इस पर डिजिटल पर देख रहे हैं कि आप यूट्यूब पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अभिनंदन को देखने वाले ज्यादा लोग होंगे, विजय त्रिवेदी को देखने वाले को तो पता ही नहीं होगा, वो पूछ सकते हैं भाई साहब आप कहाँ पर काम कर रहे हैं आजकल। अरे नहीं विजय जी। अच्छा, ये आशुतोष वर्मा का सवाल है, हालांकि मुझे ये आशुतोष, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू, बट आई लेट द पैनल डिसाइड, नॉट ट्रू फॉर टुडे। आशुतोष पूछता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाई डज इट नॉट कवर द आरएसएस? मुझे तो लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ ज्यादा ही कवर करता है आरएसएस को, वो क्रिटिकली नहीं करता। जो एनुअल डे, आई डोंट नो शार्दुल बताएंगे एनुअल डे को क्या कहते हैं,
वो तो दूरदर्शन पे भी स्पीच लाइव जाती है जब भी सर संचालक स्पीच देते हैं, और प्राइवेट चैनल्स भी लाइव स्पीच कैरी करते हैं, पहले तो कभी नहीं करते थे, बट हाँ कवरेज कवरेज नहीं होती कि आरएसएस में क्या हो रहा है। शार्दुल पहले आप बताएंगे, डू यू थिंक मेनस्ट्रीम मीडिया डज नॉट कवर द आरएसएस? और आई थिंक ही मींस दैट व्हाई नॉट रेगुलरली कवर द आरएसएस। विजयदशमी उनका स्थापना दिवस है संघ का, उस दिन की वो स्पीच होती है, बट लाइक देयर इज नथिंग टू कवर। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच वी कुड नॉट टेल इन पॉडकास्ट, आई'd लाइक टू टेल द व्यूअर्स, दिस इज सो हार्ड टू एक्सप्रेस इन एनी फॉर्मैट। रोज में अगर आप कुछ इवेंट टाइप देखना चाहेंगे, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, तो कुछ होता नहीं है, कुछ बच्चे जाते हैं शाखा में, खेलते हैं, वापस आ जाते हैं, आप इसमें क्या कवर करेंगे? बट लाइक वी सेड, वो धीरे धीरे संबंध बनता है, तो इसलिए शायद आशुतोष का सवाल है कि कोई मेन कवर क्यों नहीं करता। बाकी जैसा बताया, अब तो मेन स्पीचेस केवल विजयदशमी नहीं, सरसंघ चालक या सर कार्यवाह या और कोई बड़े अधिकारी जब कहीं बोलते हैं तो वो काफी अवेलेबल होती हैं। संघ अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालता है, लाइव स्ट्रीम करता है, पहले से तो बहुत ज्यादा आउटरीच बढ़ गई। विजय जी आपका कहना है कभी मतलब कवरेज संघ की पॉसिबल है, इज इट ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट की भाई कोई स्टोरी? शार्दुल साहब ने बहुत अच्छे से समझाई बात, क्योंकि जो उनकी एक्टिविटी है डे टू डे वो कवरेज के लिए नहीं होती है, उसमें कुछ कवरेज जैसा होता भी नहीं है, आप क्या कवर करेंगे? केवल शाखा की बात नहीं, जो वो कार्यक्रम भी कर रहे होते हैं वो छोटे छोटे कार्यक्रम अपने अपने स्तर पर होते हैं, वो नहीं होते। लेकिन मैं इस सवाल को बिल्कुल उल्टा देखता हूँ कि अब जितना आरएसएस को कवरेज मिलता है शायद कभी नहीं मिला। आप देखिए कि अभी जब मोहन भागवत साहब ने 2017 में एक 3 दिनों की व्याख्यान माला की थी दिल्ली में, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और मेरी तो जब मैं किताब भी लिखे तब भी संगम शरणम गच्छा में जो मेरी किताब लिखी उस दौरान भी, कि एक जमाना था कि संघ के बड़े नेता से की जो खबर है उनकी विज्ञप्ति जिसे हम कहते हैं प्रेस नोट, उसको भी कोई लोग छापते नहीं थे और रिपोर्टर्स भी उनसे मिलने नहीं जाते थे। आज स्थिति यह है कि जो बड़े बड़े संपादक हैं, जिन्हें आप बड़े बड़े संपादक बोलते हैं ना, वो उनसे टाइम लेने के लिए इंतजार करते हैं और 6-6 महीने उनका नंबर नहीं आता बात करने का संघ के बड़े पदाधिकारियों से। सरसंघ चालक की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, और यदि सरसंघ चालक से 5वें नंबर के नेता से भी आप मिल रहे हैं तो फिर आप कहीं नहीं मेरी मुलाकात होती रहती है उनसे, तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप कह रहे हैं कि दूरदर्शन पर कवरेज हो रहा है, विजयादशमी का स्थापना दिवस है जिसका शार्दुल साहब ने भी जिक्र किया, उसका तो हो ही रहा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आजकल होती हैं, कुछ किताबों का विमोचन है, कुछ और कार्यक्रम है, और आप यदि चैनल्स देखेंगे तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार आपको सरसंघ चालक के दर्शन हो ही जाएंगे, ठीक है। और अभी एक मित्र मुझे मिले थे, प्रसार भारती के मित्र थे, तो मैंने कहा कि आपको ये सब आजकल कवर करने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब तो हम है ना। अच्छा तो जवाब क्या आया? कुछ नहीं, मैं उनको याद दिला रहा था कि अडवाणी जी ने इमरजेंसी के वक्त कहा था कि भाई वी आस्क्ड देम टू बैन बट दे क्रॉल्ड, है ना, बताइए 75 में बोल दिया 2022 की बात को। आप मैं व्यूअर्स को बता दूं कि विजय जी की किताब का नाम है संगम शरणम गच्छामी, आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज। तो ये एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई शुड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग इन हिंदी आल्सो, मेरी हिंदी भी सुधर जाएगी थोड़ी। स्कूल में एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, मेरे सबसे हाई नंबर क्लास 10 तक हिंदी में आते थे, और फिर उसके बाद आदत क्या छोड़ी, किताबें पढ़ना ही छोड़ दिया हिंदी में। लेकिन इस बुक लिखने फिर आपने तय किया कि आप इंटेलेक्ट बनेंगे। मैंने तय किया कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लूंगा, और इतनी बड़ी गलती कर, मतलब मैंने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे, इकोनॉमिक्स ठीक है मुझे कुछ लगा, मुझे लेनी थी हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी और इंग्लिश, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चक्कर में मैंने अपने 2 साल कबाड़ा कर दिए लाइफ के। लेकिन आप ये किताब लिखने के बाद कुछ, सॉरी शार्दुल आप कहना चाह रहे थे कुछ? मैं कह रहा था ये प्लग करने का अच्छा मौका है, न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर अतुल ने इंटरव्यू किया है विजय जी का संगम शरणम गच्छामी के लिए, तो वो जरूर देखिए, वो डिटेल इंटरव्यू है। थैंक यू शार्दुल। तो इस किताब को लिखने के बाद व्हाट इज द काइंड ऑफ फीडबैक यू गॉट विजय जी? एक तो बातचीत बंद होगी संघ के बड़े नेताओं से जिनसे मित्रता थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने 2 बातें कही। एक बात कहा कि ये ईमानदार दस्तावेज लिखने की क्या आवश्यकता, ईमानदार दस्तावेज लिखने की आवश्यकता क्या,
इससे इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब किताब मैं लिख रहा था तो संघ के एक बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि किताब लिख क्यों रहे हो, संघ पर किताब क्यों लिख रहे हो। तो मैंने कहा कि संघ के विरोधियों को तो ये पढ़नी ही चाहिए किताब, क्योंकि मैं रिसर्च बुक लिख रहा हूँ, मैं संघ के लिए कोई प्रेस नोट नहीं बना रहा, रिसर्च बुक लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और 3-3.5 साल मुझे लगे उसको किताब को करने में। जरूरी नहीं कि 100% रिसर्च हो, लेकिन संघ के विरोधियों को तो किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ संघ का जो स्वयं सेवक है ना, वो ये किताब पढ़े, क्योंकि संघ के स्वयं सेवक को असल में, मतलब ये आपको खराब लगेगी बात, शार्दुल साहब समझते हूँ कि 90% लोगों को संघ के बारे में नहीं पता, संघ के बारे में नहीं पता। अब फिर मैंने उन्हें कहा कि आप क्या करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो 6 महीने में, साल भर में, या जब भी आपका मन होता है, लेकिन जो संघ का स्वयं सेवक है उसे हर दिन आपके संगठन से जुड़े हुए सवालों का जवाब देना पड़ता है सोसाइटी में किसी भी मुद्दे पर, तो वो तो हर दिन का प्रवक्ता है, लेकिन उसे संघ के बारे में पता ही नहीं, उसे संघ के और आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका है उसके बारे में नहीं पता, उसे नहीं पता कि मुसलमानों के बारे में संघ क्या सोचता है, उसे नहीं पता कि महिलाओं के बारे में उनकी क्या भूमिका है, या कोई भी और मसले हों, तमाम मसले उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो यदि वो जानेगा तो रोजाना, क्योंकि मोहल्ले में अभिनंदन जी तो रोज टकराते हैं, वो कहते अरे तुम क्या करते हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, तो कम से कम उसे पता होना चाहिए ना कि क्या भूमिका रही है, क्या सरसंघ चालक कहते हैं कि हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है। यदि ये बात उसे समझ में आती हो, या उसे समझ में आती हो कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब जेल में थे तो बाला साहब देवरस और जमात इस्लामी के नेता साथ साथ जेल में रहा करते थे, और एक जमाना भी आया कि जब उन्होंने सबसे पहले बाला साहब देवरस ने मुसलमानों की संघ में एंट्री की बात की, और फिर दूसरे सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शुरू करवाया मुसलमानों की एंट्री के लिए, और आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चल रहा है जिसको इंद्रेश कुमार चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी उनको है कि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि विपक्ष के अलावा जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो भी उस किताब को पढ़े। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि संघ के बारे में जितने सवाल आपके दिमाग में आते, जितने सवाल, उसमें से 90%, मैं 100% नहीं कहता, लेकिन 90% सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो जब आप बोलते हैं कि, मतलब कई लोगों, हमने भी इंटरव्यू किया था, कि ऐसा नहीं है कि संघ मुसलमान मुक्त इंडिया चाहता है जी, और अगर संघ सचमुच इतना पावरफुल है जी, तो रोज टीवी पे बैठ के जो ऊल जलूल बकवास करते हैं चुट्टे मुट्टे नेता, मतलब उनकी भी रुतबा बढ़ गया है ना, मतलब किसी को ONGC में डायरेक्टर बनाया हुआ है, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है इस बात का, तो अगर संघ का सचमुच इंटरेस्ट है तो वो ये रुकवा नहीं सकते क्या जी? ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा 2017 के बाद 2022 है आज, 5 साल में जब सरसंघ चालक कहें कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व तो अधूरा है, तो ये अधूरा क्यों है, क्यों लिंचिंग हो रही है, क्यों बात हो रही है, ये इसका मतलब वो बात आपकी परकुलेट नहीं हो रही, आपकी बात स्वयं सेवक तक परकुलेट नहीं हो रही, और यदि परकुलेट नहीं हो रही तो आप उसके लिए डंडा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? सरसंघ चालक की बात को कोई नहीं मान रहा, इसका विरोध क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखाते कि भाई हमने जब ये कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो फिर हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप मन से कुछ और चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, यही मतलब हुआ ना कि आप लिंचिंग पर बात क्यों नहीं कर रहे। और फिर मैं जब सवाल करता हूं, देखिए बहुत फैक्ट्स की बात है, मुझसे नारा आप चाहते हैं कि मैं पूरी जो लोगों ने बंद कर दिया उसके अलावा भी कुछ लोग और बंद कर दें बात, कल ही मैंने एक प्रोग्राम किया है मुझे बताइए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपका नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, आप कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं लोकसभा में, कुल मिलाकर 394 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, कुल मिलाकर 1300 से ज्यादा 1394 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में, ठीक है, 78-75 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री हैं, मतलब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री मिलाकर, ठीक है, इसमें से एक भी आदमी मुसलमान नहीं। और अभी परसों मैंने प्रोग्राम किया क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नया 8 साल बाद, और केंद्रीय चुनाव समिति भी बनी है, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं।
18% आबादी को आप शामिल ही नहीं करते हैं अपनी भूमिका में, आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है, आपकी चुनाव समिति में नहीं है, आपके सांसदों में नहीं है, आपके लोकसभा में नहीं है, आपके विधानसभा में नहीं है, आपके राज्यसभा में नहीं है, आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है, और आप सबका साथ सबका विकास कर कैसे मान ले शार्दुल, आपका तो मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है इतने साल, अब जो ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, आपको जो ऑन ग्राउंड जो डेली इंटरेक्शन में सेम वैल्यूज रिफ्लेक्ट करती हैं कि वहां कुछ और ही रिफ्लेक्ट करता था? वो पहले कुछ और रिफ्लेक्ट करता था, अब उसका मोड थोड़ा बदल गया, पर मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे अब असक्रिय कार्यकर्ता, मैं निष्क्रिय कार्यकर्ता हूँ अब करीब 10 साल से ऊपर हो गए। लेकिन जो आपने बात कही थी ना पहले, कि पहले पॉपुलैरिटी और मीडिया स्पेस में इतनी जगह नहीं थी, जिसकी हमने, अगर आपको याद हो, अभिनंदन और मैंने इंटरव्यू किया था, तो परिस्थिति प्रसिद्धि परान्मुखता ना, पब्लिसिटी एवर्जन की बात आई थी। तो वो मैसेजिंग बाहर के लिए अलग है, अंदर उसकी जरूरत नहीं है। और एक और बात पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से आई है कि वो कॉन्फ्लिक्ट एवर्ज रहते हैं, अपने लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ना आए उसको धकेलते रहते हैं पीछे, डिले करते रहते हैं। अगर ये बात वो सामने करेंगे तो अंदर मतभेद होगा तो बाकी काम रुकेंगे, इसलिए अंदर बात नहीं होती, ये मेरा मानना, ये मेरा विचार। दूसरी चीज, नीचे के स्तर पर तो बहुत मुस्लिम विरोध है, मुझे याद है मैं शाखा जाता था तो नारा लगता था, वो थोड़ा बुरा लगेगा, आई एम रियली सॉरी, तेल लगा लो डाबर का, तो बहुत सारे नारों में एक वो भी था, नाम मिटा दो बाबा का। तो ये ड्यूअलिटी है और ये इस नए युग की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अब क्या है, अब जो वो बाहर मैसेज दे रहे हैं वो नीचे वालों पे भी जा रहा है। तो कुछ मेरे जैसे लोग हो गए जिन्हें कभी अलग होना नहीं चाहिए था टेक्निकली, अगर मास मीडिया मैं अपने हिसाब से कंज्यूम नहीं करता, मेरे पास मैसेज कभी नहीं पहुंचता ना, तो ये चीज है। लेकिन जो लोग बिगेट्री की वजह से सिर्फ उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो कितने समय तक रहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इसलिए उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। एंड दे वोंट कंप्लेन बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग 70 साल में नहीं हुए हैं, तो आज होंगे तो ऑब्वियसली, जैसे विजय जी ने बोला, दूध देती गाय को कौन टोकेगा। दो तीन क्वेश्चन है, एक तो इंदर का क्वेश्चन है, ये सिंपल टू आंसर है, ये फटाफट आंसर करते हैं। मैं 4-5 क्वेश्चन लेना चाहता हूं, तो जस्ट कीप द आंसर्स शॉर्ट। एक इंदर पूछता है, डज द संघ डू एनी एक्चुअल गुड वर्क, रिलीफ, फूड एटसेट्रा? इंदर, ये तो मैंने भी देखा है, दे डू, जब वो भुज अर्थक्वेक हुआ था, भुज तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो हमेशा ही करते, मतलब ये इसमें आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो हमेशा जितना मौका होता है उस पर काम करते। इसमें किसी, देखिए संघ को सेवा कार्य में और विचार कार्य में जब तक आप फर्क करके नहीं देखेंगे ना, तब तक आप नहीं समझ पा। टू एग्जाम्पल्स फॉर इंदर, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म और अ प्रेज, इट्स नॉट एन ओपिनियन, जस्ट चेक आउट द वर्क ऑफ एकल विद्यालय एंड सेवा भारती, दे हैव रिसीव अवार्ड्स फ्रॉम यूएन आल्सो, दिस इज व्हाई पीपल इन स्मॉलर एरियाज चूज टू वोट फॉर देम आल्सो, उनकी बात इसीलिए मानते हैं लोग। कुकी का सवाल है, सिंस द बीजेपी हैज आल्सो स्टार्टेड एम्फसाइजिंग ऑन हैविंग ग्राउंड बेस्ड कैडर, will this impact the relationship with RSS in future? Vijay, don't think so. बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि दोनों में कोई contradiction नहीं है, दोनों में कोई contradiction नहीं है, और मोटे तौर पर दोनों एक ही हैं। I see. ये हुआ है पिछले दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी में संघ के अलावा भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन उसमें एक और खास बात आपको समझ में आएगी, जो कल ही मेरी संघ के एक बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको शामिल करने का फायदा यह हुआ है कि वो बहुत जल्दी संघ की तरफ मुड़ रहे हैं, एंड दे आर मोर लॉयल देन किंग। यस, अच्छा, अगला सवाल है चीमा पीएस चीमा, डज आरएसएस हैव अ क्लियर एजेंडा इन पंजाब, व्हाट इश्यूज डू दे फोरसी इन सच एन एक्सपेंशन? पंजाब में तो कुछ कर ही नहीं पाए, इतने साल हो गए, आई थिंक दे गिवन अप ऑन पंजाब, क्यों शार्दुल, डू यू हैव अ व्यू? बीजेपी नहीं कर पाई, उनका काम तो चलता रहता है, लाइक वी डोंट नो, बट आप जाएंगे तो आपको शाखा मिलेंगी, स्वयंसेवक मिलेंगे, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा कम हो, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, बट मैं ये जरूर जानता हूँ राष्ट्रीय सिख संगत अच्छे से चलती है। विजय जी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली काम नहीं कर पाई, और उसकी बड़ी वजह ये रही कि वहां पर सिख समाज या सिख कम्युनिटी जो है ना, वो उसकी पॉलिटिक्स में बड़ी हावी रही, और भारतीय जनता पार्टी उसमें मोटे तौर पर कमजोर रही है, क्योंकि अकाली दल वहां की एक बड़ी पार्टी रही जो धर्म के आधार पर आगे बढ़ी, और उसके विरोध में या उसके पहले जो कांग्रेस थी,
वो लड़ाई लड़ती रही तो भारतीय जनता पार्टी को वो स्पेस नहीं मिल पाई, और लगातार इतने लंबे समय तक तो अकाली दल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो वो एक बिग ब्रदर की भूमिका में अकाली दल रहे, तो भारतीय जनता पार्टी संघ जितना काम कर सकता है, ये कहा जा सकता है कि कुछ कम काम रहा होगा राज्य में, लेकिन फिर भी संघ का काम वहां पर है जो कर रहे हैं। और वहां पर इसलिए भी कम भूमिका है क्योंकि सिख समाज जो है, गुरुद्वारा जो वहां पर है, वो ही इतना बड़ा काम कर रहे हैं सोशल सर्विस का, गुरुद्वारा की एक्चुअली वहां सेवा भाव इतना है तो वहां है, तो वहां जरूरत ही आपको उस तरह से नहीं पड़ रही। गुरुद्वारों का इंस्टीट्यूशनलाइज सेवा कार्य हमेशा चलता है ना, तो स्कोप कम बचा। फहीम का पूछना है कि इज इट ट्रू दैट द आरएसएस हैज नेवर होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन इट्स हेडक्वार्टर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, दे हैव, यस। वेल, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 20 अगस्त 2022 को, तो 5 दिन पहले ही फहराया था, बट हिस्टोरिकली उसमें विवाद था, समय लगा, हमने मेंशन भी किया इनफैक्ट पॉडकास्ट में, सारी बात होती है, बट हाँ, लेकिन उन्होंने अब तो कर लिया, अब तो काफी साल हो गए। विजय जी, क्या काफी मतलब रिलक्टेंटली किया उन्होंने पहले जब अटल जी के टाइम में होता नहीं, रिलक्टेंट नहीं रहा कि 50 साल के बाद उन्होंने तिरंगा फहराया, लेकिन वो दो वजह रही, एक तो जो संघ का कहना है कि भाई पहले तो मौका ही नहीं था, हमारे कानून में नहीं लिखा हुआ था कि आप प्राइवेट बिल्डिंग्स पर फहराएं या ना फहराएं, लेकिन वो मोटे तौर पर भगवा ध्वज को अपना ध्वज मानते थे, लेकिन तिरंगा नहीं फहराना, फहराने के मामले में मैं फिर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मैं संघ के साथ ना होते हुए भी कहता हूं, कि तिरंगा उन्होंने फहराया ना फहराया हो कभी भी 1948-47 से लेकर आज तक, लेकिन तब भी उनकी राष्ट्रवादी सोच को लेकर आप शक नहीं कर सकते, वो भारत को लेकर भारत के साथ हैं। तिरंगा उन्होंने फहराया था कि नहीं फहराया था, कैसा भारत चाहते हैं वो अलग होगा, लेकिन भारत के तिरंगा नहीं फहराने से आप संघ को राष्ट्रद्रोही संगठन माने ऐसा मैं नहीं समझता, ये तो उनकी उनकी नेशनलिटी पर, उनके उस पर इंटीग्रिटी पर आप शक नहीं कर सकते। ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की थी एंड आई डिडंट मेंशन इन पॉडकास्ट, कि जब ये ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ था ना, जब माओइस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी यूपीए के टाइम में, तो उसके जो हमने काफी अपोज किया था आइडियोलॉजिकली मैंने, कि भाई द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट चिदंबरम, ऑपरेशन ग्रीन हंट वगैरह, कि भाई इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, दे आर नॉट राइट, द संघ डिडंट अपोज इट, एटलीस्ट पीपल हु आई न्यू इन द संघ, फॉर द सेक ऑफ सारा चिदंबरम बोल रहा था गलत है, ऑन दैट दे वर कंप्लीटली विद हिम, मुझसे बहुत बहस होती थी, ठीक है ठीक कर रहे हैं, करना चाहिए, नक्सलवादियों के खिलाफ है ना, तो उस मुद्दे पे वो चिदंबरम के खूब समर्थन करते थे, इनफैक्ट जो ये ओपन इंडिया का सीईओ है राहुल रोशन बैठ के क्या बोलता है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये वो, तो उस मुद्दे पे यू आर राइट, यू कैन नॉट डाउट देयर वेदर आई यू वर सेइंग शार्दुल। एक छोटी सी बात जो विजय जी ने बात कही उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, राष्ट्रभक्ति कहें आप, देश प्रेम कहें, पैट्रियोटिज्म कहें, कुछ भी कहें, और राष्ट्रद्रोह की परिभाषाएं सबके लिए अलग हैं भाई, मेरा संबंध मेरे देश से मेरा है, उसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेशंस पे बात अलग हो जाती है। दूसरी चीज ये, मेरा व्यक्तिगत तौर पर अलग होने का कारण यही था, बहुत लंबे समय तक भाजपा और संघ क्षेत्र पे कभी सत्ता नहीं रही, तो मैंने बंद कर दिया था जाना, लेकिन आप जैसे कि बात हुई घर वालों से जुड़े रहते हैं, आपके सारे दोस्त पुराने वही हैं, 20-20 साल पुराने, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद जो व्यवहार हुआ तो वो मैं व्यक्तिगत तौर पे हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने छोड़ दिया, जितना दूर मैं जा सकता हूं मैं उतना दूर हूं, इससे ज्यादा कैसे हो सकता है। शार्दुल, मैंने इसमें इसलिए राइडर जोड़ा था कि उनका राष्ट्र कैसा, ये अलग है जी। उनका राष्ट्र, आशुतोष पूछते हैं, इज देयर अ प्लान ऑफ घर वापसी ऑफ माइनॉरिटीज और एन इंक्लूसिव इंडिया हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द संघ, तो इज इट एन इंक्लूसिव इंडिया और विल दे डू घर वापसी फॉर ऑल माइनॉरिटीज? ये तो वही बहुत छोटे स्तर पर जो लोग अपने अपने स्तर पर करते हैं, घर वापसी का फिलहाल कोई कार्यक्रम बड़े स्तर पर या औपचारिक स्तर पर मुझे संघ का नहीं दिखाई देता, ठीक है, वो चाहते हो भले ही, कुछ लोग चाहते हो, ऐसा हो सकता है, मतलब इसको 100% आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन घर वापसी जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है, और वो इंक्लूसिव होने की कोशिश करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें उनके बहुत सारे राइडर्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो जो जिसलिए जिसके लिए वो एक बहाना देते हैं, याद दिलाते हैं आपको कि आपका और मेरा डीएनए एक है, ये डीएनए जो है ना बहुत सारी बातें कहता है,
ठीक है, अगला सवाल है एंड दिस इज फ्रॉम अक्षत, नहीं मितेश. डिड सरदार पटेल बैन द आरएसएस एंड डिड आरएसएस प्रॉमिस सरदार दैट दे विल नॉट एंटर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड दैट वाज द कंडीशन टू लिफ्ट द बैन, इज दैट ट्रू? यस. सो कौन, मैं बोलूं, विजय जी बोलूं? आप बोलिए सर, विजय जी बोलूं. ये तो हम तीनों को ही पता है. तो संघ का संविधान लिखने की शर्त रखी गई थी और उन्होंने कहा था हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं, और बिल्कुल सरदार पटेल ने लगाया था क्योंकि वो गृह मंत्री थे. पर सिर्फ ऐसा थोड़ी सरदार पटेल का मन आया चलो प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उन्होंने लगा दिया. ये होम मिनिस्टर वो जी, तो और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने बाद में लिफ्ट करने के लिए भी रिकमेंडेशन उनको की थी कि उस तरह से लिफ्ट किया जाए. और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने संविधान बनाने की शर्त की थी, क्योंकि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था आरएसएस का. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने की बात का मतलब यही था, क्योंकि आरएसएस हमेशा कहता रहा और आज भी कह रहा है कि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. और आज भी आरएसएस डायरेक्टली कोई मतलब उसमें पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर रहा, मतलब खासतौर से जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा नहीं ले रहा. आप हमारा एपिसोड 2 सुनिए, हमने उसमें डिटेल में कवर किया है. देयर वाज अ लॉट ऑफ लेटर्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड द मीडिएटर, पत्राचार हुआ था आपस में बहुत. जेल के अंदर बहुत लंबी लंबी वो बहस हुई थी, मेरी किताब में भी उसका पूरा जिक्र है कि कैसे वो लिखा गया, कैसे क्या हुआ, कौन कौन लोग उसमें मीडिएट कर रहे थे, मध्य प्रदेश की जेल में क्या हुआ और जगह क्या हुआ. तो बहुत बड़ा, लेकिन वो बहुत लंबे विस्तार से इस पर चर्चा हुई है जी. अक्षत भूषण का पूछना है, एज विजय जी वाज सेइंग दैट आरएसएस इज क्वाइट एमिकेबल इन देयर पर्सनल रिलेशनशिप विद देयर क्रिटिक्स, बट दिस इज नॉट कंपैटिबल विद अदर आउटफिट्स of the परिवार like VHP, how do you explain this? हाँ, good point. मतलब RSS तो बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता है, लेकिन VHP, बजरंग दल तो मतलब बदतमीजी की छोटी छोटी बातों के लड़ने झगड़ने पे पहुंच जाते हैं. ये कैसे, how does this resolve with each other? Are these outfits not RSS outfits? Officially नहीं है, लेकिन वो output हैं उनके, और उनके साथ हैं, उनकी विचारधारा पर साथ हैं. लेकिन ऐसा होता है ना, जो बात मुझे कुछ हद तक ठीक लगती है कि घर में चार भाई हैं, तो चारों भाई तो अभिनंदन शेखरी या विजय त्रिवेदी नहीं हो सकते ना, सब अलग अलग होते हैं. और आप हर एक से ये एक्सपेक्ट करें कि वो भी अभिनंदन जैसा ही हो जाए, वो भी जाति होती है. इसको इस तरह से समझना चाहिए, मतलब संघ अपनी तरफ से जो उनका एक एजेंडा है उस पर वो काम करता है, लेकिन फिर भी आप इसीलिए तो 32 ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है ना. जैसे जब हम भारतीय जनता पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के किसी दूसरे के साथ गठबंधन पर कहते हैं कि भाई उन दोनों में वो नहीं है, विचारधारा समान नहीं है, तो विचारधारा समान नहीं है तभी तो अलग अलग पार्टी है ना. और ऐसे ही भारत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या भारतीय मजदूर संघ या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो तमाम संगठन बनाए गए वो इसीलिए अलग अलग बनाए गए कि वो अपने रास्ते खुद भी चुने और उस पर काम करें. भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से काम करे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मुखिया के तौर पर काम करता है वहां पर, जो डे टू डे की इवेंट्स में या एक्शन में इंटरफियर नहीं करता, दादाजी की तरह से है. लव मैरिज करनी हो, घर का मकान बनाना हो, तब सब मिलकर बैठकर बात करेंगे. लेकिन अब प्रोग्राम में बैठने के लिए रोज फोन करने की जरूरत नहीं है ना. अच्छा, आई सी. मंदीप का पूछना है, How is Swaraj concept of Gandhi ji similar or different from Swayam Seva concept? Gandhi ji ke Swaraj mein aur RSS ke Swaraj mein kya fark hai? I think you can answer this best. Vijay ji, aap bataiye. Aap boliye pehle. Jab Shardul ne kaha to aap Nandan baat. Mujhe itni jankari nahi hogi jitni aap dono ko hogi. Mujhe bas itna pata hai ki Gandhi ji ka Swaraj bhi, halanki main Gandhi ji ka bhakti maan lo. I mean, I'm a critic of his when he did something wrong, but I think unse zyada mahan aadmi paida nahi hua hai duniya mein. To matlab aap ji jinko jinko bhagwan bana diya hai wo alag hai, jaise Buddha ya Guru Nanak ka pata nahi wo kaise hote the, lekin jinko history likh to, lekin Gandhi ji ka swaraj bhi jo self sufficient swaraj hai, mujhe nahi lagta duniya mein aaj wo possible hai. Wo रिसोर्स एलोकेशन जो चाहिए होगी, जो उसका जो इकोनॉमिक्स है उस स्वराज का, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है, ना हेल्दी है वो इंडिया के लिए. आरएसएस का स्वराज मुझे नहीं लगता वो गांधी जी के स्वराज की तरह था कि भाई
यहाँ बनाओ, अपना खाओ, अपना बेचो, अपना कंज्यूम करो. I don't think that is a core tenet of RSS as an economic prospect. बिल्कुल ठीक बात है कि RSS उस तरह से नहीं सोचता, लेकिन RSS की एक और खास बात है, क्योंकि आप गांधी नहीं रहे तो उनमें बदलाव की संभावना तो नहीं देख सकते हैं. गांधी का जो विचार है उसी पर चर्चा कर सकते हैं. लेकिन RSS की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है, जो हम लोगों को नजर नहीं आती, वो है उसमें बदलाव की एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस फॉर चेंज. तो वो वक्त के साथ बहुत चीजों में बदलते रहे हैं, और इसलिए आपको बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है कि पहले तो ये ऐसा कहते थे अब ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन वो जरूरत के हिसाब से और वक्त के हिसाब से उसमें लगातार बदलाव होता रहा, और यही एक बड़ी वजह है कि संघ का विस्तार हुआ है. सरकार तो अभी आई है ना 8 साल से, ये समझ लीजिए, और 6 साल पहले, लेकिन उसके बाद भी संघ में लगातार विस्तार हुआ और वो जिंदा रहा. आप सोच लीजिए, जिस संगठन पर 3-3 बार बैन हुआ हो वो संगठन जिंदा रहे और मजबूत होता रहे, तो इसका मतलब है कि उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव की प्रकृति रही है. कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो कम्युनिस्ट को सीखना चाहिए. मतलब 2022 में वो बात करता है कि साला हम ये नहीं लेंगे, FDI नहीं लेंगे, तो साला तुम तो भूखे मरोगे. आई थिंक ये कम्युनिस्ट का रेलेवेंस का ये वो डॉग्मेटिक हो जाता है. ये फर्क है. आप सोचिए ना, वाजपेयी सरकार में स्वदेशी विचार मंच ने किस तरह से विरोध किया था, और आज वही संगठन जो है वो चुप है, क्योंकि वो वक्त के साथ बदलने की एक वो रखते हैं, ताकत रखते हैं, और एक्सेप्टेंस उनमें हो रही है, ये उसकी तारीफ वाली बात है. ठीक है. अब फाइनली है, अब वक्त को, वक्त के साथ बदलना, लेकिन भूतकाल और हिस्ट्री को बदलना ये भी उनकी कामी. अगला सवाल है सौरभ कुमार, How did RSS manage to influence Indian historians and NCERT textbooks? वो हिस्ट्री कैसे बदल रहे हैं? अब वो तो भाई मैंने एक इंटरव्यू किया है प्रोफेसर दीनानाथ बत्रा है ना उनका नाम, वो जो अब मैंने जब उनका इंटरव्यू किया मतलब मैं दंग रह गया. अगेन सेम थिंग, मैं उनकी हर बात को मैं काट रहा था, मैं बोल रहा था ये तो पॉसिबल नहीं है, आप अनसाइंटिफिक है. लेकिन जब तक मैं उनके स्कूल से गया नहीं, वहाँ ये आई थिंक ईस्ट दिल्ली में उनका स्कूल चल रहा था, वहां पर हुआ था इंटरव्यू, वो बहुत ही प्यार से और प्रेम से मेरे साथ पेश आए, नो मैटर मैं कितना काटता रहा उनकी बात. लेकिन उनकी मैं नॉन साइंटिफिक थॉट, आई वॉज स्टंड. और फिर हरियाणा ने उनको एक एडवाइजर रख लिया था अपने सम एजुकेशन एकेडमिक डिपार्टमेंट में. अब ऐसे लोगों को आप एडवाइजर बनाओगे तो फिर ऑफ कोर्स बुक्स और ऐसे ही चेंजेस होंगे, वो मतलब उनके बता भी नहीं सकते वो क्या क्या बोल रहे थे. खैर, तो हाउ इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट इज योर व्यू ऑफ दिस चेंजिंग हिस्ट्री एंड टू व्हाट एक्सटेंट इज इट आल्सो जायज, हाउ मच हिस्ट्री नीड्स टू बी आल्सो इफ नॉट चेंज एटलीस्ट बी अ लिटिल मोर इंक्लूसिव. शार्दुल, यू हैव व्यू ऑन दिस, विजय जी कैन क्लोज इट फॉर अस. या तो जब मैं छोटा था तो मैंने केवल संघ साहित्य पढ़ा, लेकिन अब इसे खुशकिस्मती कह लीजिए मेरी, आई एम नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स साइंस, आई लाइक साइंटिफिक थॉट, एनालिटिकल व्यू. होता क्या है, हम डॉगमेटिक हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है वी हैव टू बिलोंग टू अ ट्राइब, दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, वो RSS की टेंडेंसी नहीं है. और इसमें वो बदलाव वाली बात भी जोड़ती है. हालांकि RSS इंस्टीट्यूशनली स्ट्रक्चरली, जैसा हमने आपको याद होगा हमने एपिसोड में भी बात की थी कि हाउ दे हैव बीन एबल टू चेंज, बाला साहब देवरस ने किया था. लेकिन हिस्ट्री को आप केवल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. अब अगर वो बदल रहे हैं किताबें तो इसका मतलब ये नहीं उसे रिडक्टिव होना चाहिए, ये मेरा क्रिटिसिज्म है, उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किस हद तक बदलेंगे. लेकिन कई बार लोग डॉगमेटिक होकर, जैसे विजय जी ने कहा, जो नए नए भक्त जुड़ते हैं वो ज्यादा भक्ति करते हैं पुराने वालों से, तो वो हो रहा है. और उसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ने वाले लोग चाहिए. अगर आप ईमानदारी से रिसर्च एनालिटिकल होंगे तो आप फिर भक्त नहीं बनेंगे. तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रेडिक्टरी है ना. आपकी आवाज चली गई विजय जी, आप बताइए आपका क्या. इसमें दो बातें मैं सोचता हूँ. एक ये है कि जितना वो बदलाव कर रहे हैं उसका एक पार्ट तो उनका एजेंडा है कि वो समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए. वो बदल रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि नहीं बदलनी चाहिए, या बहुत सारी चीजों का जो है उसको बना रहना चाहिए, आपको पसंद हो ना पसंद हो. लेकिन एक बड़ा हिस्सा वो ये भी कर रहे हैं कि जो पिछले 60 साल में हुआ, जिसकी आज हम आलोचना कर रहे हैं इतिहास की, उन 60 सालों में भी हमने एक पक्ष की तरफ से इतिहास को लिखा. इतिहास को जो लोग फैक्ट समझते हैं ना, वहां प्रॉब्लम है.
इतिहास फैक्ट नहीं है, इतिहास मिक्सचर है फैक्ट का और आपके थॉट प्रोसेस का। उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हो सकता है सावरकर। सावरकर के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जेल में जाने के, सबसे लंबे समय तक जेल में रहने के, काला पानी के, लंदन में इंडिया हाउस के, आजादी की लड़ाई के, फिर माफीनामे के, चिट्ठियां लिखने के, रत्नागिरी के, तमाम तरीके के। अब वो फैक्ट्स, ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन एक पक्ष अभी तक उसको खलनायक के तौर पर देखता रहा, उसमें से आप किस चीज पर एम्फसाइज कर रहे हैं। अब दूसरा पक्ष आया जो उन्हें वीर सावरकर बनाने के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो ये इसलिए केवल इतिहास को फैक्ट समझते हैं हम, तब परेशानी में पड़ते हैं। फैक्ट्स को हमने जिन किताबों में लिखा, उनमें सब, जिन लोगों ने भी लिखा, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब किसी के लिए औरंगजेब अच्छा शासक हो सकता है कि उसने क्या क्या काम किया, किसी के लिए हो सकता है कि उसने ये तोड़े हैं। तो आप किस पक्ष पर आगे जाना चाहते हैं, ये बात है। वो वीर सावरकर के साथ भी हो सकती है, वो औरंगजेब के साथ भी हो सकती है, वो तमाम तरह के जो नेता हैं, टीपू सुल्तान को लेकर जिस तरह की आजकल चर्चा हो रही है। तो फैक्ट्स का और थॉट प्रोसेस का मिक्सचर जो है ना, वो हिस्ट्री है। और इसलिए जब भी थॉट प्रोसेस बदलता है तो वो हिस्ट्री में बदलाव की बात होती है। लेकिन इस दौरान जो एक बड़ा काम वो होगा कि जो 60 सालों में जिन कुछ बड़े लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, उसको भी आगे लाने की कोशिश हुई है, ये एक पॉजिटिव बात है। हालांकि ये एजेंडा किसी दूसरे एजेंडा से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बेहतर बात है कि हम 50 नए लोगों को समझ रहे हैं कि उन्होंने देश की आजादी में, देश के डेवलपमेंट में क्या क्या काम किया है। इसलिए ये विवाद तो हमेशा चलता रहेगा, हो सकता है कि इसके बाद जब बदलाव हो, फिर कोई थॉट प्रोसेस नया आए, तो फिर हो सकता है कि हिस्ट्री रीरिटन की जाए। हालांकि मैं मजाक में कहता हूं कि जो भी लीडर्स होते हैं हमारे, मतलब जो महाराजा रहे, राजा रहे, वो अकबर हो या औरंगजेब रहे हो, उसमें सिर्फ फर्क यह है कि उनका जो डायरेक्टर पीआर था ना, उसकी प्रॉब्लम है। अकबर का डायरेक्टर पीआर जो है वो ज्यादा बेहतर था, बजाय औरंगजेब के। मैं तो ये भी कहता हूं, हां सॉरी, गो अहेड शार्दुल। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं गो अहेड, क्योंकि आई एम गोइंग टू क्लोज, बट बिफोर क्लोजिंग आई हैड वन क्वेश्चन फॉर द पैनल व्हिच इज नॉट टू डू विद आरएसएस, बट आई विल डू दैट आफ्टर यू फिनिश्ड ऑन दिस। बताओ। सो दो बातें, जैसे मैंने सावरकर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा तो मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, बट लेट्स अज्यूम इधर भाजपा के और वो लोग सही बात कह रहे हैं, सावरकर की बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया उन्हें, है ना। वही काम ये लोग पंडित नेहरू के साथ कर रहे हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, हमने आरएसएस रिलीज किया, उसके बाद मेरे एक बचपन के दोस्त ने, जो बचपन से मेरे साथ रहा है, उसने मुझे फोन किया, मेरी बात हुई, उसने कहा तो तू क्या अब ये मानता है कि नेहरू बड़े अच्छे आदमी थे। मैंने कहा देख, मैं कुछ बोलूंगा उससे, अगर मैं कहूंगा भी तो तुझे विश्वास नहीं होगा। तो मुझे जिसने ये बात कही थी, मैं वही बात रिपीट करता हूं कि आपको नेहरू की आलोचना करनी है आप जरूर करें, पर पढ़ें तो, आप पढ़ें उन्होंने क्या लिखा है। और मैंने कहा एक सिंपल एग्जांपल ये है, उस व्यक्ति ने अपने ऊपर एक सटायर व्यंग लिखा था, अपने को क्रिटिसाइज करते हुए अखबार में नाम बदल के। तुम बता दो कौन सा नेता ऐसा करता है। मुझे ये बात पसंद आती है, हो सकता है आपको ना आए। ये बात तो शार्दुल वीर सावरकर के साथ भी होती है ना जी। सावरकर को पढ़ा नहीं हमने, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। काला पानी की सजा को एक बार समझेंगे, और 1857 की क्रांति पर उन्होंने जो किताब लिखी जी, वो अपने आप में महत्वपूर्ण किताब है, जिसकी चर्चा हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग किताब करते हैं हु इज हिंदू, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि पढ़ते लोग नहीं है, इसलिए यह है कि संघ के जो लोग आज सावरकर को सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता मानते हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि संघ के हिंदुत्व और सावरकर के हिंदुत्व में बहुत बड़ा फर्क है। एक्चुअली मैंने किस्सा हफ्ता में सुनाया है कई बार। मैं 1999 में आई थिंक इलेक्शन हुआ था कि 99 में हुआ। मैं तो लोकसभा इलेक्शन, तो मुझे गुजरात भेजा था एज प्रोड्यूसर, वो इंडिया टुडे ग्रुप का और दूरदर्शन का एक जॉइंट प्रोडक्शन होता था, आपका फैसला करके। वो प्रोडक्शन इंचार्ज मैं था, और वहां धीमंत पुरोहित थे, धीमंत बाद में, एंड उदय महोत्कर थे, जो उदय भी थे। तो उदय के यहाँ लंच पे बुलाया, क्योंकि उन दिनों वो बैलेट पेपर बैठ गए, तो 12 दिन रहा मैं तो पक गया था मतलब वहां पर। तो उदय महोरकर मुझसे बात कर रहे थे, और इट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक प्री सोशल मीडिया में इवन इफ यू वर आइडियोलॉजिकली सो अपोज्ड, यू कुड स्टिल सिट टुगेदर एंड टॉक। यस, मैं बोला व्हाट आर योर व्यूज ऑन सावरकर,
तो मैंने कहा हु, उन्होंने बोला वीर सावरकर, मैंने कहा मैं आई डोंट नो एनी सच पर्सन, तो उन्होंने बोला फिर स्कूल डिड यू गो टू, मैंने कहा डून स्कूल, साले डून स्कूल में नेहरू को तो पता होगा वीर सावरकर नहीं जानते, ये वो बहुत गुस्सा हुए, ही सेड यू डोंट यू नो हु, आई सेड आई डोंट नो हु वीर सावरकर, नेवर हर्ड ऑफ द मैन, तो उन्होंने मुझे किताब दी, यू रीड दिस, यू आर हियर फॉर 10 डेज, उदयन सावरकर पर किताब भी लिखी है अभी हाल में, तो उन्होंने नहीं ये सुनिए विजय जी, तो उन्होंने सावरकर पर किताब दी मुझे, मैंने वो 10 दिन और तो कुछ करने को था ही नहीं, वो पेल डाली मुझे, ये मतलब I was stunned, he had given me that book so that I'd like सावरकर, I read that book and I decided I could not stand this man who I had nothing, no idea of, क्योंकि उसमें उनके quotes थे that फ्रीडम इन स्पाइट ऑफ यू और विदाउट यू, मतलब जो उनके एंटी मुस्लिम रेटोरिक उसमें लिखी थी, नाउ मे बी ही वाज मोर देन दैट, लेकिन जो किताब उदय, जो सावरकर, उन्होंने वो किताब दी मुझे ताकि मैं इन्फ्लुएंस हूं इस तरफ, तो दिस शोज कि भाई यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, कि दैट अटरेंस इज समथिंग दैट्स गुड फॉर दैट, फॉर मिस्टर माहुरकर, फॉर मी दैट वॉज हाउ कैन समवन से दिस, तो आई थिंक ये भी होता है ना कि प्री कंसीव नोशंस के साथ आप अगर कुछ पढ़ो, अगर वही किताब आज कुछ पढ़ोगे हाँ ठीक बोला है, नहीं इसमें एक फर्क है ना अभिनंदन, आई थिंक नेहरू की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी एलिटिज्म, ही वाज एन एलिटिस्ट, इस पर क्रिटिक कोई नहीं करता, बाकी करेंगे कश्मीर कॉज किया, ये कॉज किया, अब वहां पर कश्मीर सॉल्व कर लो तुम, गारंटी मैं चैलेंज देता हूँ उनकी ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लंदन में हैरो में पढ़ के आए थे, जब इंडिपेंडेंस मिला वो एलीट एलीट थे, he was an elitist and he liked elite people, yes. he was not an inclusivist, that is his biggest yes. criticism, aur uski wajah se aaj tak 5-5 acre ke Israel ko jab independence mila unki parliament tent mein baithi thi lekin bacche school building mein baithte, hamare viceroy ke ghar mein ye chale gaye aur bacche jaye bhad mein, kyunki he was unko aadat thi na sahab ke rehne ki, that was his problem in my view. नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, एक और होता है कि हमारी पूरी जिंदगी में हम अपने थॉट प्रोसेस में भी बदलते रहते हैं, है ना, जैसे शार्दुल हैं एक जमाने तक, मतलब मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा लेकिन एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, सावरकर के साथ यदि आप देखें तो 1857 की गदर पर उन्होंने किताब लिखी है, ठीक है, मैंने पढ़ी है ना, वो किताब में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, उस पर जोड़ देते हैं पूरा का पूरा, लेकिन उसके 25 साल बाद वो बिल्कुल उलट है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और मुसलमानों को लेकर जो उनकी नाराजगी है या विशेषनेस है वो उसमें दिखाई देती है, तो व्यक्तित्व में कितना बदलाव किस कारण से हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा बदलाव उसमें दिखाई देता है, और इस वजह से, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो वहां जेल में रहे तो उस कंट्रीब्यूशन को भी मत भूलिए, और वीर सावरकर ने जो माफीनामा लिखा उसको भी आप मत भूलने दीजिए लोगों, ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें और जोड़ देता हूँ कि महात्मा गांधी ने सावरकर के लिए अपने यंग इंडिया में लिखा कि उनको ये अधिकार था कि वो याचिका करें माफी के लिए, क्योंकि आजादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, जेल में बंद रह के ही नहीं करने होते, और दूसरी बात भी जो वीर सावरकर के आज विरोधी हैं गैर भाजपाई लोग, उनको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने उन्हें क्रांतिकारी कहा था और इंडियन पोस्टल स्टैंप जारी किया था उन पर, इंदिरा गांधी ने, इसको भी याद रखना चाहिए, ठीक है, और वीर सावरकर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में फोटो लगवाई तब लेफ्टिस्ट लीडर सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे। अच्छा मेरा आखिरी सवाल है, थैंक यू ऑल सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल आवर सब्सक्राइबर्स, आई होप दिस वाज वर्थ योर सैटरडे, विजय जी थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई एम बिजी, नो नो थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। एक मेरा सवाल है, मैंने कल नोटिस किया जब ये मनीष सिसोदिया पर रेड हुई, और बेसिकली मुझे लगता है पॉलिटिकली बीजेपी अब बैकफुट पर हो गया, क्योंकि वो हमेशा एजेंडा सेट करता था ना नैरेटिव, अब ये लोग करने लग गए हैं कि भाई कुछ भी हुआ दे आर स्पिनिंग इट टू देयर एडवांटेज, तो और वो अंबेडकर और भगत सिंह की फोटोग्राफ हर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो उन्होंने बोला जो बीजेपी ने यूज किया था ना पुट सरदार अगेंस्ट नेहरू, मतलब जो विजय जी ने बोला कॉम्प्लेक्स होते हैं लोग, गुड या बैड नहीं होते, लेकिन पॉलिटिकली इनको सिंबल बनाने बना के एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करना अब इफेक्टिव पॉलिटिक्स हो गई है, अच्छी या बुरी है ये नहीं लेकिन इफेक्टिव तो है, वहां पर बोला आई डोंट नो इट वाज अरविंद और सम अदर लीडर कि हम सावरकर के भक्त नहीं है,
हम भगत सिंह के भक्त हैं, हमें अरेस्ट कर लो, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम सूली पे चढ़ जाएंगे। फिर वो रिपीट हुआ आज। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सरदार को नेहरू के अगेंस्ट पिट करके पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया? अब सावरकर को हिस्टोरिकली ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, अब थोड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है, सावरकर को भगत सिंह के अगेंस्ट पिट कर रहे हैं। भगत सिंह का कोई क्रिटिक हो भी सकता है 24 साल की उम्र में जो मर चुका हो देश के लिए? मतलब डू यू थिंक इट्स पॉलिटिकली अ मास्टर स्ट्रोक? पॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी उतनी बड़े संगठन के तौर पर खड़ी नहीं है कि वो इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह से इस्तेमाल कर सके। भगत सिंह को लेकर तो शायद कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई आलोचक उस तरह से रहा होगा, क्रिटिक रहा होगा, और भारतीय जनता पार्टी या संघ या कोई भी लोग नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है कि जैसे सरदार पटेल को इस्तेमाल किया गया नेहरू के खिलाफ, वैसे सावरकर के खिलाफ भगत सिंह को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ताकत बड़ी नहीं है आम आदमी पार्टी की आज। हो सकता है 10 साल बाद इस पर कभी बात हो सकती हो कि वो चर्चा कर सकते हो, लेकिन भगत सिंह को लेकर तो कोई क्रिटिक होगा नहीं, है ना। तो इसलिए, लेकिन संगठन के तौर पर आम आदमी पार्टी अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है, और ये लोग मैच नहीं कर रहे क्योंकि दोनों में कंट्रास्ट नहीं है। भगत सिंह को लेकर कोई आपत्ति कर रहा हो, कोई आलोचना कर रहा हो, तब तो इस पर वो बनेगा ना माहौल, वो माहौल नहीं बन रहा। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें बहुत एक बड़ी स्ट्रेटेजी है जो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी के छापे हुए या ममता बनर्जी के खिलाफ हुए या किसी और के, ये मेरी अपनी सोच है, मैं इसमें कोई किसी को नहीं जोड़ रहा। वो ये कि मैं 2012 को याद करता हूँ। 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो जुड़े संगठन थे, उन्होंने पूरे प्लान वे में यूपीए को एक करप्ट गवर्नमेंट के तौर पर खड़ा कर दिया, बैंड कर दिया। और हम सब लोग जो बीजेपी के साथ नहीं थे, हम सब लोग मतलब जो भी लोग नहीं थे, मैं आपकी मेरी किसी की बात नहीं कर रहा, जो लोग नहीं थे वो भी यूपीए के खिलाफ खड़े होकर बीजेपी के साथ या मोदी के साथ खड़े हो गए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है। अब नया आप जो कह रहे ना वो नहीं है, उससे उलट हो रहा है। अब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाई अब जब चुनाव होगा तो आप रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे ना कि आपने क्या किया, इस पर बात होगी ना, बात रिपोर्ट कार्ड की नहीं। अब उन्होंने कहा है कि पूरे विपक्ष को ब्रांड करने की, ये सब भ्रष्ट लोग, 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर तो कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार यानी टीएमसी भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन 2024 के चुनाव में कहें भैया चुन लीजिए, ये भ्रष्ट पार्थो चटर्जी, ये भ्रष्ट मनीष सिसोदिया, ये भ्रष्ट फलाना जी ढिकाना जी, ये सब लोग, और एक तरफ 10 साल ईमानदार सरकार, आप चुन लीजिए जिसको चुनना। ये ब्रांडिंग की तैयारी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है भाई आप चाहते हो क्या कि जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ ना करें कार्रवाई, करिए कार्रवाई, मैं उसमें नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस पर ऐसा सोचता हूं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं 100% गलत हूं। शार्दुल, व्हाट इज योर टेक ऑन पिटिंग वन हिस्टोरिकल लीडर अगेंस्ट अनदर हिस्टोरिकल लीडर? सो वन हिस्टोरिकल लीडर वर्सेस अनदर इज अ डिबेट। जैसा आपने कहा भगत सिंह वाली बात, तो वो है उनके चाहने वालों या प्रोस्पेक्टिव चाहने वालों के लिए, मेरी नजर में जो उनसे जुड़ सकते हैं, है ना, जो इस आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करेंगे। जैसा विजय जी ने कहा, भाजपा का असल जो, खासतौर से भाजपा में भी नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का जो सेलिंग पॉइंट है, पर्सनल इनकरप्टेबिलिटी, के भाई अपने लिए कुछ नहीं करते, भ्रष्टाचार। अभी तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब की इमेज ऐसी थी कि भाई आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिल्ली में अच्छा काम किया है, तो उनकी तरफ से मुझे बिल्कुल लगता है इमेज तोड़ने की कोशिश है। उसमें सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं जानता, ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन ये दोनों बातें साथ हैं। एक चीज और, आम आदमी पार्टी को अगर उन्हें टक्कर देनी है तो इस बात पे तो अभिनंदन, हमें बिल्कुल अग्री करते हैं, हमने कई बार वैसे भी बात की है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ग्राउंड वर्क, पीपल ऑन द ग्राउंड, यू नो, फुट सोल्जर्स आर ऑलवेज नेसेसरी, और वो काम तेजी से नहीं होगा, धीरे धीरे ही करना पड़ेगा, तो वो होगा। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ अभिनंदन, सॉरी, कई सारे सब्सक्राइबर ने हमसे इस ऑल ओवर दिस प्रोसेस पॉडकास्ट के एक सवाल पूछा था कि आपने इतना सब काम किया, व्हाट डू यू थिंक वुड रिप्लेस दिस, विचारधारा के लिए विचारधारा में क्या, तो मैंने एक पर्सनल दिया था, आई थिंक इट्स अ राइट प्लग मेरे लिए पर्सनली, यू नो, जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम एड इज अ गुड इनफ आइडियोलॉजी, यू गो फॉर इट,
वो सबको काम करेगी भाई, हम नहीं चाहते हमारा रिपोर्टर से मतलब पड़े, जब तक पड़ जाता है लाइफ में, जब पड़ जाता है तो आपको ईमानदार पत्रकार की जरूरत है. यूज इट, सपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री. यस, सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री. वी टेक नो एड्स, तो आपके सब्सक्रिप्शन के भरोसे चल रहे हैं. किसी दिन हमारी हैसियत हो तो विजय जी जैसे एडिटर्स भी हमारे यहाँ आए. अगर आप सब्सक्राइबर्स लाखों करोड़ों में हो जाएंगे तो हम सब अच्छे पत्रकार ले आएंगे यहाँ पर. बट थैंक यू सो मच विजय जी, आपको इतने आप मुझे अब भी अच्छा पत्रकार समझते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया. पता नहीं कितने सालों से फिजिकली मिला नहीं हूँ, लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लगा. नहीं, अच्छा लगता, हमें बहुत अच्छा लगा शार्दुल के साथ भी मुलाकात से, अच्छा लगा. और आपको तो इनफैक्ट मैं याद कर रहा था आज सवेरे, मतलब कहना उचित नहीं है, लेकिन गुस्ताखी माफ को याद करते हुए, जब हमारे आजकल सारे चैनल पे कुछ कुछ चल रहा है ना, तो मैंने कहा जो सबसे बड़ा काम अभिनंदन ने किया ना, वैसा काम हुआ ही नहीं, इसी को मैं याद कर रहा था आज. दैट वाज गुड फन. चलो आजकल सटायर के नाम पर कुछ और ही चलता है. खैर, आजकल सटायर को गाली समझते है ना. हाँ एग्जैक्टली, गाली समझते. अब सटायर नहीं रहा. मजे की बात है, जो भी आपको थोड़ा आइडियोलॉजिकल हार्डलाइनर मिलेगा उसे ह्यूमर पसंद नहीं होता. हाँ, वही, वही जो आदमी तो गाली समझते हैं ना, जो हंसता है वो आपके लिए ठीक है. और एक बात और, राइट विंग लोग भी शायद न्यूज लॉन्ड्री को पसंद करें इस बात से. देखिए, शिवाजी ने कहा था, शिवाजी तो सबसे बड़े आइकन है, बहुत ज्यादा खाना अच्छा भी तेजी से नहीं खाना चाहिए, पेट भी खराब होता है, स्वाद भी चला जाता है. तो काम धीरे धीरे होना चाहिए, वो धीरे धीरे ही करते रहे. ठीक है, thank you subscribers, thank you Tahreem, wonderful producer, thank you Vijay ji, thank you Shabu, thank you very much. Bye-bye. Thank you, bahut shukriya, bahut maza aaya, bahut acha laga. Thank you, thank you so much, thank you all for joining. Bye-bye. Thank you.